हेलो चिल्ड्रन आज हम चैप्टर वन का पार्ट सी करेंगे जो कि हमारा चैप्टर है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन आवर प्रीवियस वीडियो वी सो रिफॉर्मेशन मोमेंट इन द मुस्लिम कम्युनिटी हमने मुस्लिम कम्युनिटी का देखा था इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सिख कम्युनिटी एंड पारसी कम्युनिटी Sikh community. The reforms of the 19th century also influenced the Sikh community. Siromani Gurudwara Prabhanda committee, committee was formed with an objective to reorganize the religious practice and remove the evil practice from the Gurudwaras. तो नाइ नाइनटीन सेंचुरी में सिख कम्युनिटी को भी बढ़ावा मिला उसमें भी कई सुधार किए गए सिर सिरोमी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फॉर्म की गई सीर, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गुरुद्वारा में जो भी कुछ कुरीतियाँ हैं उसको हटाई जाए टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलोंग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख खालसा कॉलेज इन अमृतसर वॉज एस्टेब्लिश अलोंग विद मैनी अदर स्कूल्स तो खालसा कॉलेज अमृतसर में इस्टब्लिश किया गया इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और रिलीजियस एजुकेशन को भी महत्व उतना ही दिया गया नाउ पारसी कम्युनिटी कम्युनिटी द यंग्स यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन इस्टैब्लिस रहनुमाए मजदियास ने सभा इन 1851 फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड दादा भाई नौरोजी वॉज द लीडर ऑफ़ दिस सभा तो एक सभा गई जिसका नाम था रहनुमाए मजद सभा जिसके लीडर जो थे दादा भाई नौरोजी थे और जिन्होंने पारसी यंगस्टर्स जो थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सीख लिया था उन्होंने ये सभा बनाई थी दिस हैड स्टार्टेड अ पीरियोडिकल नेमली रास्ता गुफ्तर रास्ता गुफ्तर तो इस सभा को पीरियोडिकली नेम क्या दिया गया रास्ता गुफ्तार इट गेव अन अन्प इम्पैट टू द रिफॉर्म मूमेंट्स एंड कैरी आउट वर्क फॉर अवेकिंग ऑफ द पार्सिस ठीक है पार्सिस के मन में एक इच्छा जगाई ठीक है उनको जागृत किया देश के प्रति के आर कामा एन बहरम जी मलबारी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स तो जो के आर कामा थे और जो बहरम जी मलबारी थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में पार्सिस में कामा लैड एम्फेसिस ऑन द प्रोपोकेशन ऑफ एजुकेशन एंड मलबारी एम्फेसिस एम्फोसड ऑन वुमन एम्पावरमेंट दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड एंकरेज विडो री मैरिज तो विडो री मैरिज के लिए प्रोत्साहित किया चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और जो कि ये थे कामा थे उन्होंने क्या किया था प्रोपोगेशन किया था एजुकेशन को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को शिक्षित करना है और जो मलबारी थे उन्होंने क्या किया था वुमेन एम्पावरमेंट को इम्पोर्टेंस दिया था ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मलबारी द गवर्नमेंट पास अ लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज इन एटीन तो उनके एफर्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें कि एक एज फिक्स कर दी गई मैरिज की 1891 में यह लॉ पास किया गया नाउ ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले वाज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र तो ज्योतिबा फुल्ले जो थे ये महाराष्ट्र के थे और वहाँ पे उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए ही स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857 1857 में गर्ल्स के लिए उन्होंने एक स्कूल इस्टेब्लिश की ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी और जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह के लिए उन्हें हेल्प किया ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मीन इन दोसाइटी ही स्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इन कुलकेट कॉन्फिडेंस करेज एंड एंथुसिज्म इन पीपल तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस उनका हौसला बढ़ाया जा सके तो ब्राह्मीण समाज को एक आ, चैलेंज भी किया उन्होंने कि मतलब इस तरीके के रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए विडोरी मैरी होना चाहिए गर्ल्स के लिए जो स्कूल इस्टेब्लिश किया मतलब गर्ल्स भी एजुकेट होनी चाहिए अब है ठक्कर बापा ठक्कर बापाज कॉन्ट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन संघ एस्टैब्लिश बाय द गांधी जी वॉज वेरी वैल्यूएबल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स तो जो ये हरिजनों के लिए छुआछूत वाली जो बात थी इस क्षेत्र में गांधी जी से प्रभावित होकर ठक्कर बापा ने अपना योगदान दिया जो कि अखिल हिंद हरिजन संघ जो था उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया ही वर्क टाइल लेसली टू प्रोवाइड रिलीफ टू दीपल अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलामिटीज़ तो जो लोग नेचुरल कैलेमिटीज़ से अफेक्ट होते हैं जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं तो ऐसे लोग जैसे कि अर्थक्वेक है या फ्लड आ गया या इस तरीके से कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है तो उससे जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उनको हेल्प करते थे अमृतलाल ठक्कर पॉपुलर known एज ठक्कर बापा was born इन 1869 सिक्सटी नाइन सी ई इन दिट्यू ऑफ भावनगर तो 1869 में ये बॉर्न हुए सेम ये ईयर जो है इस गांधी जी का भी है गांधी जी का भी बॉर्न 1869 में ही हुआ था सेकेंड अक्टूबर को तो उनसे प्रभावित भी ये हुए आगे चल के और दोनों का जो बर्थ ईयर है वो भी सेम है तो ये अमृतलाल ठक्कर इनका नाम था बट आगे चलकर ये अपने कामों से प्रसिद्धि पाई और इनको ठक्कर बाबा के नाम से जाना गया तो इनका बॉर्न एटीन सिक्सटी भावनगर सिटी में हुआ था ही रिमेन्ड अ ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ तो एक ये बहुत ही ड्यूटीफुल थे और डिवोटेड थे लोगों के लिए कार्य करते थे अपना पूरा जीवन उनके लिए दे दिया ही वॉज एन इंजीनियर लेफ्ट हिज कल लुक्रेटिव जॉब टू सर्व द डाउन ट्रडन एंड मार्जिनलाइज पीपल आफ्टर बींग इंस्पायर्ड बाई गांधी तो गांधी जी से इंस्पायर होकर इन्होंने क्या किया अब इन ये एक इंजीनियर थे बट इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी मतलब वैसी जॉब लुक्रेटिव जॉब कौन जो कि बहुत ही सहायकमंद थी इनकी फैमिली को चलाने के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक थी बट uh, उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया किन लोगों के लिए वो लोग जो अधिकारहीन हो गए हैं जो अधिकार जिनको नहीं मिल रहा है वैसे लोगों के लिए ठक्कर पापा इस्टैब्लिश द पंचमहल भील सेवा मंडल एंड ट्राई टू रिफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द भील हु इनहेबिटेड द डीप फॉरेस्ट एंड द हिली एरिया ऑफ द पंचमहल रीजन तो ठक्कर पापा ने इस्टेब्लिश किया था पंचमहल भील सेवा मंडल किन लोगों के लिए जो लोग जो भी ये एरिया है पंचमहल का उसके जंगलों में पहाड़ियों में जो लोग रह रहे थे उनकी रिफॉर्म्स के लिए ठक्कर बापा एंड इज़ फॉलोवर फ्रीड द भील्स फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ एल्कोहल अदर इविल कस्टम एंड सुपरस्टिशंस तो ये लोग जो एल्कोहल लेते थे सुपरस्टिशंस में बिलीव करते थे और भी कई कुरीतियाँ थी उनको उन्होंने हटाया उनमें सुधार किया ओपन स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रेन भील चिल्ड्रन के लिए एक ओपन स्कूल भी ओपन किया ही टॉट डैम हाउ टू ऑपरेट स्पाइनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व दैम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री तो उन्होंने इन लोगों को क्या किया ट्रेंड किया इस तरीके से चरखा घुमाकर एक खादी कपड़ा बनाया जाता है और उन लोगों को ये सब सिखाने के बाद एक कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे स्टेज पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व किए एज टाइम पास अवेकिंग एंड नेशनलिज्म स्प्रेड अमोंग पीपल विच कन कनेक्टेड दैम बेटर विद द फ्रीडम मूवमेंट और बाद में उनमें जागरूता जागरूक जागरूक किया उन्हें, उन्हें? राष्ट्र के लिए देश के लिए राष्ट्रीय अपने आज़ादी के लिए और उन्हें फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व किया गांधी जी अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचबिलिटी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस तो गांधी जी जो ये छुआछूत की भावना को ख़त्म करना चाहते थे उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया ख़त्म किया ताकि लोग जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं वो ऊपर आ सके उनकी कंडीशन अच्छी हो सके सो जी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है आई uh, होप nah, कि आप लोग अच्छे से समझ के होंगे चैप्टर को और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू